आगे बढ़ रहे हैं, अलवर का रुख कर रहे हैं, जहां पर शिवाजी पार्क सामूहिक हत्याकांड पर फैसला। आरोपी महिला संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2017 को प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने 4 बच्चों समेत पति की हत्या कर दी थी। अब अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है। मामले में 2 नाबालिग सुपारी किलर्स भी दस्तियाब हुए थे। पीड़ित पक्ष और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एडवोकेट अशोक शर्मा ने दंड पर जिरह के दौरान आरोपियों पर फांसी की मांग रखी थी। बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, आरोपी महिला और उसके प्रेमी हनुमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला जो पूरा है 2 अक्टूबर 2017 का है, और सहयोगी जुगल किशोर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जुगल, पूरा मामला आपसे क्या कुछ था जानना चाहेंगे, और सजा भी यहां पर कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह मामला 2017 2 अक्टूबर का है, जब यह सनसनीखेज वारदात हुई थी, जब इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति और 3 बेटों सहित एक भतीजे की हत्या कर दी थी। इसमें कुल 5 लोगों की हत्या हुई थी। उस मामले में आज एडीजे संख्या 2 की न्यायाधीश डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की इन्हें सजा सुनाई गई है। इसका संतोष के साथ जो हनुमान जैकब है वो उसका प्रेमी है, जिसके साथ इसके अनैतिक संबंध थे, जिसका पता उसके पति और बेटे को लग चुका था, जिस वजह से इन दोनों ने उनकी हत्या करने की प्लानिंग की थी। यह जो पूरी वारदात है जो 2 अक्टूबर की रात को हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला ने इनको अपने परिवार वालों को रायता खिलाया था खाने में, जिसमें नशीली गोलियां मिलाकर उन्हें सुला दिया था। जब ये गहरी नींद में सो गए थे तो हनुमान जैकब अपने 2 सुपारी किलर को साथ लेकर देर रात को वहां पहुंचा था, और उस महिला ने संतोष ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, और ये सब लोग उस कमरे में घुसे थे जहां वो अचेत अवस्था में सोए हुए थे। इस दौरान उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे और 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 सुपारी किलर भी शामिल, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें 2 सुपारी किलर भी शामिल थे, 1 हनुमान जो इसका प्रेमी है, और 1 संध्या और संतोष को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में 2 वो नाबालिग है जिनका अलग कोर्ट में चल रहा है मामला, और यह जो आरोपी है जिन्हें सोमवार को अदालत ने दोषी करार दिया था और आज उसका फैसला सुनाया गया। फैसले में जो धाराएं लगाई गई थी उसमें 302 में दोषी पाया गया है, 460 पे पाया गया है, और 120B के तहत भी इन्हें दोषी मानते हुए, और 201 में भी इन्हें दोषी माना गया है। इस पूरे मामले में आज यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कल जब यह इस मामले में जिरह चल रही थी, तो जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे पीड़ित परिवार के लिए वकील थे एडवोकेट अशोक शर्मा, उन्होंने इसे गंभीर मामला मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। तब न्यायालय ने यह फैसला सुरक्षित रखते हुए मंगलवार को फैसला सुनाने की बात कही गई थी। आज सुबह आरोपियों को कोर्ट में लाया गया था, उसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, जिसमें इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे